अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। एक वीडियो लगाई मैंने, किचन को रेनोवेट किया था, फिर बेगम साहिबा को मैंने गिफ्ट किया बड़ी चलाकी के साथ, और बहुत बड़े अच्छे मैसेज आए हैं जी। एक मेरी बहन का मैसेज आया था, एक दो बहनें ऐसी भी हैं, कहती जी हमारे मियाँ भी ऐसे करते हैं, घर की कोई चीज़ जो बनानी हो जो लानी हो तो वो क्या देते हैं जी, आपका गिफ्ट है। तो इसी तरह की चलाकियाँ करके बचत करनी पड़ती है, क्या करें भाई, महंगाई बढ़ी है। अच्छा, तो बहुत सारे मैसेज आए हैं कि जी इधर से जो मैंने बताया था कि जी मैंने जो सामान यहाँ से उतारा है पुराने किचन में से, उसका मैंने अलग से एक छोटा सा किचन बनाया, तो मैसेज बड़े आए हैं कि जी वो भी दिखाएं। एक स्टोर था छोटा, उसको मैंने किचन में कन्वर्ट किया है, और पहले देखें कि बन रहा था तो थोड़ी सी फुटेज मैंने बनाई थी, आइए पहले वो देखते हैं। ये पीछे एक मेरा स्टोर था, ये देखें, ये मेरा एक स्टोर था, इस स्टोर को अब मैं छोटा किचन बना रहा हूँ। ये एक प्रॉपर किचन तैयार होगा, इसमें ये एक पुराने स्टाइल की ये ग्रिल लगी हुई थी, खिड़की विंडो, तो इसको हमने निकाल दिया। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसकी क्या शक्ल बनती है फाइनली, ये अभी आप देख लें। लाला अशद, हाँ नवाया सोने। ये देखें जी, ये स्लैब डल गई है, इसकी शटरिंग सुबह खुल जाएगी। ये शटरिंग इन्होंने खोल दी है, अब ये टॉप पे लग जाएगी और ये साइडों पे यहाँ लगेगी, ये यूं लग के वो टॉप पे लग के दरवाजे का बन जाएगा, इसे कहते हैं जुगाड़। हाँ जी, तो पत्थर लगना शुरू हो गया, और ये वही पत्थर है जो पहले किचन से हमने उतारा था। हाँ जी, बनते हुए आपने देख लिया है, और अब मैं दिखाता हूँ कि उसकी असल शक्ल इस वक्त क्या है। आए फिर मेरे नाल आ जाओ, चलो जी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये वही दरवाज़ा है जो किचन गार्डन में खुलता था, वहाँ पे वो जो ये छोटी खिड़की है, यहाँ एक दरवाज़ा भी था साथ, ये वही दरवाज़ा है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो ये देख लें, जी देखा आपने। अच्छा, एक तो ये अभी एक दराज जो है वो बनी नहीं है, कारपेंटर चला गया था, और एक पीस अभी इसके साथ का यहाँ भी लगना है, ये बंद हो जाएगा, और ये तकरीबन ये इस वक्त तैयार है। दो चीज़ों की कमी है इसमें, बाकी ये सारा वही सामान है। ये वाला पत्थर देखें, ये वही है ग्रेनाइट, उसी को यहीं पे लगाया है, कोई ख़र्चा नहीं। ये स्टोव भी वही है पुराना, ये भी सारी वही हैं चीज़ें, ये देखें सारी। ये एक आधी शीट मंगवा के एक स्टोर सा बनवा दिया है, जिसमें काफ़ी सामान, ये देखें सारे मसाले, और ये आटा प्याज चावल चीनी, इस तरफ भी काफ़ी जगह है। सिंक बड़ा था, इसको मैंने काट के लगा दिया, देखें आप ज़रा, वो डबल था, इसको मैंने काट के इसी को इस्तेमाल किया, और सिर्फ ये विंडो नहीं लगी है, और ये पत्थर और टाइल, और ये एक आधी शीट जो है ये आई है। तो अब आप बताएं कि कम खर्च में मैंने ये किचन कैसा बनाया पुरानी चीज़ों से। हाँ जी, कैसा लगा आपको मेरा ये कारनामा, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा किसको ये किचन ज़्यादा अच्छा लगा है, और किसको पहले वाला जो नया बनाया है बड़ा वाला वो कैसा लगा है। तो दोनों का मुकाबला करें आप, मुझे तो वहाँ पकाने का मज़ा आता है, ग्रीन ग्रीन बाहर नज़र भी आता है।
तो चलें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।